वेलकम गाइस, मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हो इसके स्टूडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम मैं बताने वाला हूँ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेना है पिकार्ट में, और जो भी इमेज मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है उन सबका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाना पिक को लेके पिकार्ट में, उसके बाद हमें यहाँ से जाना है ड्रॉ टूल में। तो हम सिंपली यहाँ पर चले जाएँगे ड्रॉ टूल में। ये ड्रॉ टूल में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है लेयर्स पे। तो हम यहाँ पे लेयर्स पे जाएंगे और ये एम्प्टी लेयर्स पे जाके हम ऐड इमेज करेंगे। तो ऐड इमेज में जाके एक पीएनजी सेलेक्ट करना है जो मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए बना के रखी है। तो बस ये पीएनजी को लेके आना है और यहाँ से अपने इमेज को रिसाइज कर लेना है। तो ये जितना आपको बेटर लगे, मैं साइज़ के अकॉर्डिंग उस तरह से अपने सेट करना है, मैंने ये सेट कर लिया। ये देखिए, अब जाना है लेयर्स पे और यहाँ से हमें ऐड करना है एम्प्टी लेयर, और यहाँ से हमने एम्प्टी लेयर ऐड कर लिया। और ये एम्प्टी लेयर को हम मॉडल के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम मॉडल को हाइड कर देंगे, और यहाँ से एम्प्टी लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से ब्रश चूज़ कर लेंगे। तो ब्रश का साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं 20 रखता हूँ, आपको जो बेटर लगे वो लग सकते हैं। अब यहाँ से कलर लेना है, तो यहाँ से तीन कलर लेना है। तो मैं इधर से खाली ओनली लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, येलो। यहाँ पे हमें तीन कलर यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे आगे वीडियो में बताता हूँ। तो अभी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देख सकते हो ये मैंने कर दिया, और जो भी आउटलाइन के बाहर गया है ना, तो हम उसे सिंपली इरेज कर लेंगे। इस तरह से ये इरेज हो गया। अब हमें यहाँ पे भी हाईलाइट करना है, तो इसके लिए भी येलो कलर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम पूरा पेंट कर लेते हैं। हमें इसे तीन कलर इसलिए यूज़ करना है ताकि हमको इसको 3D और रियलिस्टिक थोड़ा दिखाना है, इसलिए ना हम इसे तीन कलर से एडजस्ट करेंगे। तो हम इसे पहले पूरा कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हो गया। अब जो भी आउटलाइन के बाहर है उसे इरेज कर लेते थोड़ा सा, और ये हाईलाइट हो गया। अब थोड़ा डार्क कलर लेंगे, तो हम इधर से ऑरेंज लेंगे। तो ये साइड में ऑरेंज है, इधर सेलेक्ट कर लें। अब हमने इस राइट साइड में करना है, तो इसे पूरा फिल कर लेते हैं। ये देखिए हो गया, बस यहाँ पे भी थोड़ा बाकी, और ये हो गया। अब हमें क्या करना है, और डार्क कलर लेना है। तो हम क्या करेंगे, कलर में जाके इसके नीचे जो रेड है, थोड़ा ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसे लेफ्ट साइड में करना है, तो इसे पूरा फिल कर लेते हैं। एक शेडो जैसा इफेक्ट होता है ना, डार्क लाइट वाला, तो उस तरह से हम इसे कलर कर रहे हैं, थोड़ा रियलिस्टिक लुक आ जाएगा इसमें। और ये हो गया है, अब देख सकते हो कितना अच्छा लुक दे रहा है। अब यहाँ से जाना है हमें लेयर्स पे, और लेयर्स पे जाके हमें ये दोनों को मर्ज कर लेना, आउटलाइन और कलर को। तो ये हम यहाँ से मर्ज कर लीजिए। ये मर्ज होने के बाद क्या करेंगे, इसका एक कॉपी बनाएंगे, क्योंकि इसे हमें आगे यूज़ करना है। तो हम एक को हाइड कर देंगे और एक को शो करेंगे। यहाँ से मॉडल को भी शो कर लेते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, हमें जो हमारा स्ट्रक्चर था वो ले लेंगे। अब यहाँ से इसकी ऑपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे, ताकि बैकग्राउंड देखे हमें थोड़ा। यहाँ से ऑपेसिटी, हाँ, यहाँ से कम कर लीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और एम्प्टी लेयर लेंगे और इसे मॉडल के ऊपर लेंगे, जस्ट इस तरह। अब यहाँ से क्या करेंगे, वो शेप आइकॉन दिख रहा है ना, ये शेप आइकॉन पे जाना है, और यहाँ से हमें क्यूब वाला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से इसे रिसाइज कर लेते हैं। तो रिसाइज करके मैं इधर पर 10% रखूँ, बस हो गया। अब यहाँ से ब्लैक कलर ले लेंगे, और हमें क्या करना है, हमें है ना अपने मॉडल के ऊपर एक फ्रेम टच करना है। तो बस कैसे करना है मैं बताता हूँ।
यहाँ से हम इसे एक क्यूब बना लेंगे और उसका जो एक कॉर्नर दिख रहा है ना, इसे हम खाली लाइन पे टच करना है, मिडल लाइन पे। ये इस तरह से इसे पहले एडजस्ट कर लेंगे, ये ऐड कर लेंगे, ये देखिए हो गया। अब हमें सेम है ना इस साइड में भी करना है, तो इस साइड में जाना है और इस साइड में भी हमें सेम करना है, और लास्ट कॉर्नर जो होगा वो मिडल में ही करेंगे। इस तरह से देख सकते हो, इसे एडजस्ट कर लेना, ये हो गया, यहाँ पे डन देख सकते हो, ये इस तरह से। अब क्या करना है, हमें वापस से जाना है लेयर्स में, तो लेयर्स में जाएंगे और यहाँ से एम्प्टी लेयर फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, और इसे भी हम लेके आएंगे मॉडल के ऊपर। तो यहाँ से हम इसे डाउन कर लेते हैं, स्लाइड कर लिए, ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या जाना है, वापस से हमें जाना है शेप में, बट इस बार क्या करेंगे, शेप में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर फील लिखा हो, तो फील करके हम पूरा ब्लैक कर। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आप देख सकते हो वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से आपको भी करना है। ये आपको पूरा ब्लैक करना है, बट साइड का और नीचे का छोड़ के, जैसे कि देख लीजिए, ये राइट साइड का मैंने थोड़ा, लेफ्ट साइड का मैंने छोड़ा है और नीचे का थोड़ा छोड़ा है, तो इस तरह से आपको भी करना है। ये हो गया डन। अब क्या करना है, इस साइड में भी करना है, बस इस साइड में हमें राइट का छोड़ना है, इस तरफ लेफ्ट का छोड़े थे, इस तरह राइट का, तो इधर राइट का छोड़ना है और नीचे का छोड़ना है, बस इस तरह से एडजस्ट करना है, और ये डन। ये देखिए दोनों भी हो गया, अब ये अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है, सिंपली वापस जाना है हमें लेयर्स पे, और यहाँ से जाके हमें जो आउटलाइन वाला था ना, तो उसे हमें ऊपर कर देना है स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर के ऊपर करने के बाद हमें क्या करना है, आउटलाइन को देखना है, और इधर से हम स्ट्रक्चर की हाई कैपेसिटी फुल कर लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, ये देखिए ये जो आउटलाइन है ना अपने स्ट्रक्चर पर आई हुई है, तो हमें क्या करना है, उसे इरेज करना है। तो यहाँ से जाएंगे आउटलाइन पे और यहाँ से इरेजर सेट कर लेंगे, अभी से हम इरेज कर लेंगे। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें यहाँ से इरेज करना है और पूरा बिल्कुल यहाँ तक करना है, बस ये हो गया। अब इसी तरह से हमें ये साइड का भी करना है, तो ये साइड भी हम जाएंगे और ये साइड का भी पूरा कर लेंगे, ये पूरा इरेज कर लेंगे, ये यहाँ तक, ये हो गया। अब देख सकते हो ऐसा लग रहा है ना, अंदर से आ रहा है, तो ऐसे ही लुक देना है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर पे जाना है और स्ट्रक्चर को भी इरेज करना है, तो स्ट्रक्चर को कहाँ तक करना है, जब यहाँ से पहले ब्रश का साइज़ बड़ा कर ले। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें आउटलाइन के बाहर का दिख रहा है ना, वहाँ तक का हमें इरेज करना है, बस आउटलाइन देखिए इस तरह से, ये हमने पूरा इरेज कर लिया। अब हमें सेम उस साइड भी करना, ऐसा लगेगा कि ये अंदर से आ रहा है, टी शर्ट के अंदर से निकला हुआ, तो ये लुक देने के लिए हमें इसे इरेज करना, ये इरेज हो गया, इसे अच्छे से इरेज कर लेते हैं, ये से हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना जो हमने एक्स्ट्रा बना के, एक्स्ट्रा हमने कॉपी करा था ना, पहले हम इसे इमेज को ना मार्च कर लेते हैं ताकि लेयर्स कम हो जाए, तो हम इधर से पहले इसे मार्च कर लेंगे एक और, ये इसे भी कर लेते हैं, बस हो गया। अब क्या करना है, हमें जो कॉपी लेयर बनाई थी ना, हम उसे शो कर देंगे और इसके बाद इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। यहाँ से हमने एक और कॉपी कर लिया, अब एक को हाइड कर लेंगे, एक को ऑन रखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, पहले तो इसकी ऑपेसिटी कम कर लेते हैं ताकि हमें बैकग्राउंड नहीं, तो यहाँ से हम ऑपेसिटी इसकी कम कर लेते हैं, ये हो गया ऑपेसिटी कम। अब यहाँ से जाना है ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में थोड़ा हमें इसे आगे करना है, हैंड के थोड़ा बाहर निकलना है, और लाइन टू लाइन देख सकते हो मैंने लाइन टू लाइन पे रखा है, ये इस तरह ये साइड हो गया। अब क्या करना है, इरेजर पे जाके इरेजर का साइज़ पहले बड़ा कर लेते हैं, और ये बस सेट, यहाँ से थोड़ा हार्डनेस भी कम कर लेते हैं, हार्डनेस भी कम हो गया, यहाँ से सेट कर लेते हैं। अब जो हैंड के बाहर का हिस्सा है वो छोड़ना है बस, और हैंड के अंदर का पूरा इरेज करना है। तो आप देख लीजिए ये मैं किस तरह कर रहा हूँ, ये इस तरह से बिल्कुल करना है। अब ये पूरा बाकी का एरिया हमें इरेज करना है, पूरा इरेज कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से हम इसकी ऑपेसिटी फुल कर लेंगे, ये देखिए फुल हो गई, देखिए कितना फुल लग रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब दूसरा वाला जो हमने किया था उससे भी शो ऑन करेंगे। अब यहाँ से इसके भी ऑपेसिटी कम करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म सेम उसी तरह करना है, सिंपली उसको आगे करना है, हैंड के थोड़ा बाहर निकालना है, और लाइन टू लाइन अकॉर्डिंग रखना है, बस इस तरह से हो गया। अब इसे भी डन कर लेंगे यहाँ से, और इसे देख लीजिए हो गया। अब इसे भी हम इरेज कर लेंगे, तो यहाँ से चले आएंगे इरेजर पे और फिर इसको इरेज करेंगे, पूरा इरेज कर देंगे। खाली हमें हैंड की तरफ का थोड़ा क्लियरली अच्छे से करना है,
ये हिस्सा थोड़ा अच्छे से करना है, तो इधर से पहले साइज़ कम कर लेते हैं और थोड़ा हार्डनेस भी कम कर लेते हैं, बस थोड़ा जूमिलिटी कर लेते हैं और इधर से अच्छे से इरेज कर लेंगे। ये एकदम अच्छे से हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से पूरा इरेज कर लेते हैं, ये हो गया। अब क्या करना है, इसकी भी ऑपेसिटी फुल कर लेते हैं और देखते हैं कैसा है। ये देख सकते हो, ये ऑपेसिटी फुल कर लिया। अभी से पहले मार्च कर लेते हैं, हम मार्च कर लेते हैं सारी इमेज को और देखते हैं। पहले कुछ छोटा था नहीं है, ये देखिए गाइस मेरा थोड़ा सा मैंने रह गया, उसे कुछ नहीं। अभी इसे हम क्या करेंगे, ब्लैक पेंट कर लेंगे। इसे क्या करना है, ब्लैक पेंट कलर लेता, ब्रश ले लिया और यहाँ से मैंने ब्लैक कलर का ऑलरेडी है, इसे मैंने ब्लैक कर लिया। ये हो गया गाइस। अब यहाँ से क्या करना है, इसे भी हम मार्च कर लेते हैं और इमेज को सेव कर लेते हैं। यस, अब यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे, फुल HD में सेव होगा गाइस। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे सेव कर लिया, तो यहाँ इमेज सेव हो गया है। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।